त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद पौड़ी में उपजिला अधिकारी आकाश जोशी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर की सभी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक और अतिक्रमण को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर की एक दुकान का चालान काटा तो वहीं 10 घरेलू सिलेंडर और नॉन वोवन थैलों को उपयोग करने पर जब्त किया गया। चेकिंग अभियान को लेकर शहर की 6 दुकानों को फूड सेफ्टी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन न होने पर संबंधित व्यापारी को नोटिस भी जारी कर दिया गया, चेतावनी दी गई और रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए गए। उपजिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि सभी व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक और घरेलू सिलेंडरों का उपयोग न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की सामग्री का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य पूर्ति नगर पालिका, मापतोल विभाग और तहसील प्रशासन विभाग की टीम मौजूद रही। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को और बाकी अपने बाजार में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, नॉन वोवन बैग्स का जो यूज हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए, साथ ही जो इस बीच मिठाइयां और मावा, दूध, पनीर इत्यादि बिक रहा होता है तो उसकी गुणवत्ता के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, निरंतर चलता है।